साल, ये साल थोड़ा अच्छा नहीं गया, बट जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। मुझे लगता है 2019 बहुत ही कमाल का रहने वाला है। और लाइफ में हम हमेशा सोचते हैं कि नो कुछ प्रॉब्लम्स होती है कुछ, बट जिंदगी यही है कि हमें कैसे, किस तरह से हम जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको किस तरह से हम टैकल करके आगे बढ़े, वही जिंदगी है। और मुझे पूरा यकीन है आज 2018 की आज लास्ट आखिरी रात है, और पूरा यकीन है 2019 बहुत ही खुशहाल हो जाएगा, खुशहाल रहेगा, और उसी को हम सेलिब्रेट करने आज जा रहे हैं हार्ट टू हार्ट में। एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट जो एडी वेंचर्स प्रोडक्शंस ने डिज़ाइन किया है कि किस तरह से म्यूज़िक को बढ़ावा दिया जाए। ऑफ कोर्स सबको पार्टी का मूड होता है, सबको न्यू ईयर्स ईव धूमधाम से शोर शराबे से मनाना है, लेकिन म्यूज़िक की अहमियत क्या रखती है हम सब की ज़िंदगी में, उसी को हमने बढ़ावा किया है, उसी को बढ़ावा दिया है। और यही सोच कर किया है कि ये इस साल नहीं बल्कि हर साल इसी तरह से न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेट होना चाहिए, जहाँ पर म्यूज़िक की अहमियत ज़्यादा बढ़ती रहे। इसी सोच विचार से हमने इस चीज़ का एक आरंभ किया है, और ये पहली बार न्यू ईयर्स ईव एडी वेंचर्स प्रोडक्शंस के साथ हम काम कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि हर साल इसी तरह से हम जुड़े रहे उनके साथ। एक फिर भूमि 2.0, हमारा भूमि का सेकंड एल्बम हम सोच रहे हैं, 2019 में ये रिलीज़ होने वाला है, तो उसको लेकर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। जैसे कि मैंने कहा, 2018 में कुछ अच्छी चीज़ें हुई, कुछ बुरी हुई, बहुत सारी फिल्में जिस पे बहुत ज़्यादा हमारी वो था कि ये चलने वाला है, वो नहीं चली है। कुछ कुछ फिल्में चली भी, जैसे बधाई हो है, जैसे छोटी कुछ कुछ फिल्में जो सोचा था कि शायद इतनी नहीं चलेंगी, वो भी चली है। तो ऊपर नीचे बहुत रहा है 2018, पर हम यही दुआ करते हैं कि 2019 बहुत बड़ा। मगर आज का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि हम जो परफॉर्मेंस करने वाले हैं आज की ऑडियंस बहुत स्पेशल है, क्योंकि एक फैमिली ओरिएंटेड परफॉर्मेंस, जहाँ पर एक फैमिली ओरिएंटेड गैदरिंग, जहाँ पर बाप बेटा माँ सब लोग एक साथ मिल के इसे इंजॉय कर सके, तो ऐसा एंटरटेनमेंट बहुत कम होता है हमारे यहाँ पे, जहाँ भी देखो तो सब यूथ के लिए होता है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम के न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेट कर रहे हैं हम फैमिलीज़ के साथ। हमारी संस्कृति से जुड़कर गाने रहेंगे, कुछ कुछ रोमांटिक भी रहेंगे, कुछ कुछ गाने कुछ फोक रहेंगे, कुछ क्लासिकल रहेंगे, कुछ मॉडर्न रहेंगे, कुछ रोमांटिक रहेंगे, कुछ डांस नंबर्स रहेंगे, तो इट्स गोइंग टू बी अ मिक्स। लेकिन ये इसके कितने गाने रहेंगे और कितने ट्रैक्स रहेंगे वो अब डिसाइड करेंगे। जी, वो कन्वर्ट नहीं करेंगे। पुराना एल्बम हमने 10-20 साल पहले जो किया था उसका कंटिन्यूएशन है ये, एक अलग जो आज का माहौल है, आज की जो स्टाइल है, आज की जो अलग अलग जॉनर ऑफ म्यूजिक है, उसको लेके हमारी संस्कृति को हम कैसे ब्लेंड कर सकते हैं आज के म्यूजिक के साथ, वो हमारी कोशिश रहेगी इस एल्बम। बहुत सारे प्लान्स है, जनवरी फरवरी मार्च तो हम बहुत बिजी है कॉन्सर्ट्स में, और बहुत सारे कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं हम। उसके अलावा हम स्टूडेंट ऑफ द ईयर का बैकग्राउंड भी कर रहे हैं, और इसके अलावा और एक दो फिल्में हैं जिसकी हमारी बातचीत चल रही है। हम एक बहुत अच्छी फिल्म करें जिसका नाम है सेटर्स, जो अश्विनी चौधरी जिसके निर्देशक हैं, और श्रेया तलपड़े और आफ्ताब शिवदसानी के साथ बहुत सारे एक लंबी कास्ट है उसके साथ। और एक हम मराठी चित्रपट कर रहे हैं, एक मराठी फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है प्रवास, और ये हमारी पहली मराठी फिल्म है। एंड पूर्वी अनाए, जब हमने सोचा कि हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो सबसे पहला नाम हमारे मन में आया कि सलीम सुलेमान से साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए एंड कोलैबोरेट करना चाहिए, एंड लकीली दैट डेट वाज अवेलेबल, एंड विद इन 5 seconds ऑफ मी टेलिंग देम दिस उन्होंने अग्री किया, तो वी आर वेरी हैप्पी दैट दे अग्री टू इट। और ये सबके पीछे मैं भी, व्हेन आई एम परफॉर्मिंग, द होल आइडिया इज कि फैमिलीज को लेकर एक माहौल बने जिसमें लोग अपने घर वालों के साथ बाहर आ सकें, तो हमें परहेज नहीं है जो पीपल हु वांट टू हैव फन इन एनी अदर वे, बट हमारा ये थॉट था कि यहाँ पे आके कुछ अलग डिफरेंट करें, व्हिच इज नॉट, यस, हम लोग जस्ट कोशिश कर रहे हैं कि आई थिंक दिस इज द ओनली पार्टी इन बॉम्बे जहाँ पे कुछ डिफरेंट हो रहा है। सो बेसिकली इट्स अ नो नॉनवेज एंड नो बूज पार्टी, सो वो अलग बात है, नो अल्कोहल, स्नूज द बूज इज द टैग लाइन, let us all enjoy good music and get high on music, yes,
आपने पूछा 2019 कैसा रहेगा, तो ब्राइट इसलिए ब्राइट रहेगा और दूसरा, मैं बम्बई के 15 न्यूयॉर्क का काम करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 8 साल से किधर नहीं जाता हूँ, मंदिर या घर या माँ बाप के साथ न्यूयॉर्क बिताता हूँ। लेकिन ये बार इन्होंने बोला नो अल्कोहल और नो नॉन वेज है, तो ये मैं जैन हूँ तो मुझे इतना कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, मैंने सब छोड़ के इस कॉन्सेप्ट में आने का सोचा। 8 साल के बाद मैं पहली बार आ रहा हूँ 31st मनाने को। प्लस मेरे को जितने भी फोन्स आए मेरे दोस्त लोग के, सिर्फ इनके पास के लिए आए हैं, तो इनका पास का रियली बहुत डिमांड है और ये शो का भी बहुत डिमांड है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इतने बड़े एक प्रोग्राम का एक हिस्सा हूँ। और सर के साथ कल ही हम लोग अंबानी फैमिली में एक कजिन की शादी में थे, सर का परफॉर्मेंस और मैंने इनका भी देखा, बहुत अच्छा काम है कल। जितनी भी मुश्किल से 2018 गुजरा है उसको, वो सब ठीक ठाक है। मैं हमेशा देखूंगा कि हमेशा यही सोचता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ कि हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और सोचेंगे कि जो भी अच्छी चीज़ें हमें प्राप्त हुई है इस साल में उसका शुक्रिया अदा करेंगे, और उसी सुर में शुक्रन अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। A very happy, happy new year. Wish you all a very happy new year.